बड़ी दूज की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई बहन का उत्तम ये त्योहार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम भाई दूज की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई बहन का उत्तम ये त्योहार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको भाई दूज की पौराणिक कथाएं सुनाएंगे। प्रिय भक्तजनों, भाई दूज का ये त्योहार दीपावली के दो दिन पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उससे तिलक करवाते हैं और उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उन्हें सदैव अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं भाई दूज की ये दोनों पावन कथाएं। भाई दूज की पहली कथा है यम और यमुना की, ध्यान लगा कर कथा को भक्तों सुनना आप सभी। सूर्य देव का संज्ञा देवी से है विवाह हुआ, दो पुत्रों को संज्ञा देवी ने है जन्म दिया। यम और मनु अपने पुत्रों का नाम वो देते हैं, और हुई एक पुत्री भी यमुना जिसे तो कहते हैं। सूर्य देव का ताप सहन पर संज्ञा से ना होता, करनी होगी कठिन तपस्या संज्ञा ने ये सोचा। सूर्य देव किंतु इस बात को जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई बहन का उत्तम ये त्योहार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, क्योंकि सूर्य देव का तेज अत्यधिक था और संज्ञा देवी बड़ी ही कोमल थी, संज्ञा देवी ने सोचा कि मुझे कठिन तपस्या करके या तो अपना तेज बढ़ाना होगा अथवा कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे सूर्य देव का तेज कुछ कम हो जाए। प्रिय भक्तों, यही सोचकर संज्ञा देवी तपस्या करने के लिए वन में चली आई और उन्होंने अपनी ही परछाई को सूर्यदेव के पास छोड़ दिया, जिन्हें छाया कहा जाता है। किंतु सूर्यदेव को इस बात का ज्ञात नहीं था, वो छाया देवी को ही संज्ञा समझ रहे थे। छाया देवी से उन्हें सवर्णी, मनु, शनिदेव और ताप्ती उत्पन्न हुई। किंतु भक्तों, भाई दूज की यमुना और यम के मध्य की है, अतः हम दोनों भाई बहनों के विषय को लेकर कथा को आगे बढ़ाते हैं। यम और यमुना भाई बहन है, पावन है बड़ा प्रेम, समय समय पर एक दूजे की पूछे कुशल और छेम। यम अपने कार्यों में किंतु इतने व्यस्त हो जाते, अपनी बहन यमुना के घर भी नहीं वो आते जाते। यमुना बहन ने एक बार उन्हें निमंत्रण भिजवाया, प्रसन्न बड़े ही हो गए जो संदेश बहन का पाया। जाना होगा बहन के घर ये सोच रहे यमराज, कार्तिक मासिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है आज। अपनी बहन यमुना के घर में चले वो आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई बहन का उत्तम
सर्वोत्तम ये त्योहार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, इस प्रकार अपनी बहन यमुना के आमंत्रण पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यम अपनी बहन के घर आए और इतने दिनों के बाद अपने भाई को आया हुआ देख यमुना बड़ी ही प्रसन्न हुई और सर्वप्रथम अपने भाई को तिलक किया और भोजन में अनेकों ही स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाए। अपनी बहन यमुना के इस प्रकार सत्कार करने से यमराज बड़े ही प्रसन्न हुए। यमुना ने अपने भाई का जो सत्कार किया, प्रसन्न होकर अपनी बहन को उन्होंने तो है कहा, तुमने दिया है बहन मुझे इतना आदर सम्मान, प्रसन्न बना ही तुमसे हूँ मैं, मांगो कोई वरदान। यमुना ने फिर अपने भाई से मांगा वरदान, ना यमलोक बुलाना जो मेरे जन्म करे स्नान। कहने लगे यम ये वरदान तो देना बड़ा कठिन है, यमपुरी का अस्तित्व ही खतरे में, इससे तो बहन है। लाखों मनुष्य ही रोज तुम्हारे जल में नहाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भाई बहन का उत्तम ये त्योहार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, अपनी बहन यमुना की बात सुनकर यमराज कहने लगे, हे बहन, तुम्हारे जल में तो प्रतिदिन लाखों मनुष्य स्नान करते हैं, अतः इस प्रकार तो यमपुरी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो भी भाई आज के दिन बहन के घर आकर उससे तिलक करवाकर जो अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करेंगे, उन्हें अकाल मृत्यु का भय कदापि नहीं रहेगा। प्रिय भक्तों, ये वचन स्वयं यमराज ने अपनी बहन यमुना को दिया था। तब से भाई दूज के अवसर पर सभी भाई अपनी बहनों के घर जाकर उनसे तिलक करवाते हैं और उनके घर में भोजन करते हैं और यह यथासंभव अपनी बहन को उपहार भी देते हैं। प्रिय भक्तों, भाई दूज की एक और लोक कथा है, आइए सुनते हैं। प्राचीन काल में किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, सात बेटे थे बुढ़िया को और एक बेटी थी। बेटी का तो विवाह उस बुढ़िया ने कर दिया है, पर अब तक सातों बेटों का विवाह नहीं हुआ है। बड़े बेटे का विवाह निश्चित जो ही हुआ है, आ जाएगी अब बहू घर में, प्रसन्न हुई बुढ़िया है। निश्चित समय पे बेटा उसका दूल्हा बन गया है, सज धज करके वो तो जब घोड़ी पर चढ़ गया है। मित्र और संबंधी खूब नाचते गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भाई बहन का उत्तम ये त्योहार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, इस प्रकार बुढ़िया का बड़ा बेटा सज धज बारात लेकर कन्या पक्ष के घर चला गया, किंतु बुढ़िया की खुशियों को उसे समय ग्रहण लग गया। जब फेरों के समय एक काले नाग ने
आकर बुढ़िया के बेटे को डस लिया तथा उसकी तत्काल ही मृत्यु हो गई। जो भी बाराती नाचते गाते गए थे वो आंखों में आंसू लिए वापस लौट आए। ठीक एक वर्ष पश्चात बुढ़िया ने अपने दूसरे बेटे का विवाह निश्चित किया, किंतु उसके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा बड़े बेटे के साथ हुआ था। इस प्रकार एक एक करके बुढ़िया के 6 बेटों को फेरों के समय ही सर्प ने डस लिया था। एक एक कर 6 बेटों की जो मृत्यु हुई है, रो रो करके दुख में बुढ़िया अंधी हो गई है। सातवां सबसे छोटा बेटा ही जीवित बचा है, उसके साथ ही काट रही दिन अपने बुढ़िया है। सोचा छोटे बेटे का मैं विवाह नहीं करूंगी, इसके साथ भी वही हुआ तो कैसे भला रहूंगी। बुढ़िया अपने बेटों को तो बड़ा ही चाहती है, पल भी दूर हो जाए तो व्याकुल हो जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भाई बहन का उत्तम ये त्योहार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, इस प्प्रकार बुढ़िया के 7 पुत्रों में से केवल एक पुत्र ही जीवित था, जिसे बुढ़िया अत्यधिक प्रेम करती थी और एक पल के लिए भी उसे अपनी नजर से ओझल ना होने देती। एक दिन भाई दूज के अवसर पर वो अपनी माँ से कहने लगा कि मुझे बहन की बहुत याद आ रही है और भाई दूज भी निकट है, मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा। यद्यपि बुढ़िया उसे कहीं भी नहीं भेजती थी, किंतु जब बेटी से मिलने के लिए कहा तो बुढ़िया ने हाँ कर दी और वो प्रसन्नता पूर्वक अपनी बहन से मिलने के लिए निकल पड़ा। अपनी बहन से मिलने के लिए भाई निकल पड़ा, दूर बहन का घर और वन है बीच में एक बड़ा। जो गांव से निकल के वो तो वन में आया है, एक सर्प मिला जिसने उसको डसना चाहा है। कहने लगा वो सर्प से मैं तो बहन के घर जाता हूँ, डस लेना चाहे मुझको जब मैं लौट के आता हूँ। कहने लगा है सर्प उससे काल तुम्हारा हूँ, लौट के तुम आ जाओगे कैसे विश्वास करूँ। मृत्यु के लिए भला लौट कर कौन आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भाई बहन का तम ये त्योहार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता, ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्त जनों, सर्प बात सुनकर बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि यदि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ ही अपनी बहन के मिलने के पश्चात चाहे तुम मुझे डस लेना। इतना कहकर उसने सर्प को झोले में डाल लिया और अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। उधर जब उसकी बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो मारे खुशी के फूले नहीं समाई और एक पड़ोसन के पास आकर कहने लगी कि बहुत दिनों पश्चात मेरा भाई घर आ रहा है, उसके लिए क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन तो उससे जलती थी, उसने कहा दूध से चौका ली और घी में चावल पका। बहन ने वैसा ही किया, किंतु ना चौका सूखे ना ही चावल पके।
तब तक भाई भी घर पहुंच गया। कुशल क्षेम पूछने के बाद भाई ने कहा, बहन बड़े जोर की भूख लगी है, तू जल्दी से मुझे खाना दे दे। चावल चढ़ा दिया है मैंने, शीघ्र ही पक जाएंगे, दोनों भाई बहन बैठकर साथ में फिर खाएंगे। किंतु बहुत देर तक भी जब पके नहीं चावल, उसका भाई होने लगा है बड़ा भूख से व्याकुल। बोला बहन से, अब तक भी क्या नहीं बना खाना, भूख लगी भोजन मुझको तो जल्दी से ले आना। देखने के लिए बहन रसोई में फिर जाती है, अब तक चावल नहीं पके वो आके बताती है। इतनी देर में रोज ही चावल पक ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भाई बहन का उत्तम ये त्योहार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, बहन की बात सुनकर भाई कहने लगा, बहन तुम ऐसा क्या पका रही हो जो इतनी देर लग रही है। तब बहन ने बताया कि मैंने दूध से चौका लीपा और घी में चावल पकने के लिए चढ़ाए हैं। तो भाई कहने लगा, कभी घी में भी चावल पके हैं? गोबर और मिट्टी से चौका लीपो और दूध में चावल पकाओ। तब बहन ने गाय के गोबर और मिट्टी लेकर लिपाई की, दूध में चावल पकाए। भाई ने पेट भर के भोजन किया और विश्राम करने लगा। तब तक उसकी बहन के बच्चे भी आ गए और कहने लगे, मामा हमारे लिए क्या लाए। इतना कहकर उन्होंने झोले को खोल दिया। झोले में सर्प की जगह एक बहुत ही सुंदर हीरे का हार निकला। बहन कहने लगी, भैया तुम मेरे लिए इतना कीमती हार लेकर आए और बताया भी नहीं। भाई को भी किंतु ना ये समझ में आया था, काला सर्प था झोले में पर अब तो हार पाया था। ना जाने क्यों और कैसे ये चमत्कार तो हुआ है, अपनी बहन को भाई ने फिर तो वो हार दिया है। उस दिन किया है अपनी बहन के घर में ही विश्राम, और बहन तो निपटाने लगी घर के सारे काम। अगले दिन फिर बहन ने अपने भाई से कहा है, साथ तुम्हारे भैया घर मुझको भी चलना है। भाई बहन चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भाई बहन का उत्तम ये त्योहार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, फिर दोनों भाई बहन घर की ओर चल दिए। रास्ते में बहन को प्यास लगी तो अपने भाई से कहने लगी, मुझे पीने को जल चाहिए। भाई कहने लगा, ऐसे घनघोर जंगल में जल कहां से लाऊं, घर चलो। किंतु बहन नहीं मानी और कहने लगी, तुम यहीं रुक जाओ, मैं ही कहीं जल की व्यवस्था करती हूं। और वो अपने भाई को एक जगह बिठा कर चली गई। रास्ते में उसने देखा कि छह सिलाएं तो धरती में गड़ी हुई हैं और उनके पास ही रखी हुई हैं, और पास ही एक बुढ़िया बैठी है। उसने बुढ़िया से पूछा कि हे माई, ये सिलाएं किसकी हैं और छह के छओ गड़ी हुई हैं और एक ऊपर ही क्यों रखी हैं। तब उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया के बेटों की ये सातों सिलाएं हैं, छह तो अपने विवाह में फेरों के समय
मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनकी शिलाएं गड़ी हुई हैं, सातवां अभी जीवित है, वो भी विवाह के समय ही मृत्यु को प्राप्त होगा, तब उसकी भी शिला गड़ जाएगी। कहने लगी वो बुढ़िया से, ये सब थे मेरे भाई, और जीवित जो बचा है उसको अब मैं साथ में लाई। सात भाई थे मेरे, इनमें एक ही बचा है, बोलो इसे जीवित रखने का कोई उपाय क्या है। बोली बुढ़िया, जब तक इसका विवाह नहीं हो जाए तब तक साथ में रहना, जब तक बहू न घर में आए, और विवाह के रस में इसके स्थान पर तुम लेना, जितना हो सके अपने भाई को भला बुरा तुम कहना। विवाह कार्य तो पूर्ण नहीं जब तक हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भाई बहन का उत्तम ये त्योहार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्तजनों, बुढ़िया ने उसके भाई को जीवित रखने का एक उपाय बताया कि जब तक इसका विवाह संपन्न नहीं हो जाए तुम इसके साथ रहना, और विवाह की हर रस्म खुद करने के लिए कहना। प्रिय भक्तों, बहन ने वैसा ही किया। जब उसके भाई का विवाह तय हुआ और उसे सेहरा पहनाने लगे तो वो बोली, ये क्यों सेहरा पहनेगा, मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, लोग सोचते हैं ये क्या पागल है जो ऐसी शुभ घड़ी में अब सकुन भरी बातें कर रही है। फिर भी बहन की जिद पर लोगों ने एक बार सेहरा पहनाने के लिए उसे दे दिया। बहन ने देखा कि सेहरे की कलंगी में एक छोटा सा सर्प लिपटा हुआ है, तो उसने तत्काल ही उसे दूर फेंक दिया। अब भाई सेहरा पहनकर घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन कहने लगी, ये क्यों घोड़ी चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। इतना कहकर वो घोड़ी पर बैठ गई, फिर उतर के भाई को बैठाया। जब वो दरवाजे से निकलने लगा तो बहन फिर कहती, ये क्यों दरवाजे से जाएगा, मैं जाऊंगी, ये पीछे के रास्ते से जाएगा। अपनी बहन के कहने पर वो पिछले दरवाजे से निकल गया। जब उसकी बहन दरवाजे के नीचे से निकलने लगी तो दरवाजा टूट कर गिर गया। अब तो लोग भी समझ गए कि ये कोई जादू टोना जानती है जो अपने भाई की रक्षा के लिए यहाँ आई है। फिर तो उसके भाई की है चढ़ने लगी है बरात, कदम कदम पर बहन रही है किंतु उसके साथ। एक वृक्ष के नीचे जब वो कर रहे थे विश्राम, जिद करने लगी बहन, किया है पहले जैसा काम। बोली वृक्ष के नीचे, ये विश्राम भी नहीं करेगा, मैं तो रहूंगी छाया में और धूप में भाई जलेगा। देखा कुछ ही देर में वृक्ष तो टूट के गिर गया है, एक बार फिर से उसका तो भाई बच गया है। अब तक तो बाराती भी सब समझ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भाई बहन का उत्तम ये त्योहार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्तजनों, क्योंकि बाराती जानते थे कि इसके छह भाइयों की मृत्यु ठीक विवाह वाले दिन ही हुई है, तो अब तक सबने जान लिया कि ये अपने भाई की रक्षा करने के लिए आई है। प्रिय भक्तों, जब फेरों का समय हुआ तो
उसने दुल्हन के कान में कहा, मैं अब तक तेरे पति को बचा लिया, अब तू अपने पति को बचा और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। प्रिय भक्तों, इतना सुनकर ही दुल्हन सतर्क हो गई। जैसे ही फेरे लेने का समय हुआ तो एक सर्प लहराते हुए आया, तो दुल्हन ने उसे लोटे में ढक दिया। दुल्हन ने तो अपने पति की जान बचाई है, थोड़ी देर में नागिन पर लहराती आई है, बोली मेरे पति को तुमने बंदी बना लिया, बोलो तुमने मेरे साथ ये क्यों अन्याय किया, मेरे पति को छोड़ दो और कोई मांग लो वरदान, और बड़ा ही मानूंगी मैं आज तेरा एहसान। दुल्हन बोली मेरे पति के प्राण ये लेने आया, इसीलिए तो तेरे पति को बंदी मैंने बनाया, पति प्रिय है सबके ही मन को वो भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भाई बहन का उत्तम ये त्योहार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, दुल्हन ने नागिन से कहा कि जिस प्रकार तुम्हें अपने पति के प्राण प्रिय लगते हैं, इसी प्रकार मुझे भी तो अपने पति के प्राण प्रिय लगते हैं, क्योंकि ये मेरे पति को डसने के लिए आया था, इसलिए तुम्हारे पति को मैंने इस लोटे में रोक दिया है। अब तुम मुझे वचन दो कि तुम अपने पति को लेकर तत्काल ही यहाँ से लौट जाओगी, और तुम्हारे पति ने ही मेरे सभी छह जेठों के प्राण हर लिए, उनके प्राण भी लौटा दोगी। तब नागिन दुल्हन से कहने लगी, तुम्हारे जेठों के प्राण तो मैं नहीं लौटा सकती, किंतु इन सात भाइयों की जगह मैं सात पुत्रों का वरदान तुम्हें देती हूँ। भाई दूज पर एक भाई जो बहन के घर में आया, दीर्घायु का वर उसने है बहन के कारण पाया, फिर तो उसकी पत्नी को भी पुत्र साथ हो जाते, भाई दूज की यही कथा जो सुनते और सुनाते, जब जब भाई दूज का ये पावन त्योहार है आता, हंस राज रलहन भी अपनी बहन के घर में जाता, सब बहनों को खुद से प्यारे होते भाई हैं, डीएस पालन भाई दूज की कथा ये गाई है, फौजी सुरेश से लाखों भाई जिस दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भाई बहन का तम ये त्योहार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता, ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। हम भाई दूज की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं।